अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ये जो लेक्चरर के टेस्ट शेड्यूल हुए हैं रिसेंटली। काफ़ी लोगों को था कि पता नहीं पेपर कब हो रहे हैं, या मतलब नई आइडिया था, तो आप लोग खुद से चेक कर सकते हैं। तो मेरा इस वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके सब्जेक्ट में कितने लोगों ने अप्लाई किया है और उसमें टेस्ट कब है, कितनी सीट पे कितने हैं, और ये सारी चीज़ें। ये बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करेंगे आप। ओपन करने के बाद राइट साइड पे प्लानर का, ये प्लानर पे क्लिक करें। प्लानर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों के पास लिस्ट आ जाएगी पूरी, जितनी भी सीट्स अब तक जो है ना आई हुई हैं। ये मैं तहसीलदार, नया तहसीलदार भी कुछ जॉब्स आई हुई हैं, इस पर भी डिटेल पे वीडियो बनाऊंगा, वो भी अपलोड करूंगा इंशाल्लाह। तो होप सो ये लेक्चर वाली कुछ आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि लेक्चर के सबके शेड्यूल नहीं हुए, पेपर चंद के हुए हैं। जैसे ये वेबसाइट खुलती है तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। और काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूजन है कि डिग्रीज के बारे में, जिन लोगों ने अभी तक बैचलर नहीं किया, अभी इंटरमीडिएट किया, या उनके कोई जानने वाले हैं उन्होंने अभी मास्टर करना है, उनको एडमिशन जो है ना दिलवाना है, वो भी मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा कि कौन सी डिग्री करनी चाहिए, उसका स्कोप अच्छा है या उसमें सीट्स ज़्यादा होती हैं और कैंडिडेट बहुत कम होते हैं। मैं उस पर भी इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप, बहुत से लोगों को आइडिया नहीं है कि किस फील्ड में जाना चाहिए, क्योंकि होता ही है कि हम लोग बहुत सारे लोग जो है ना एक ही फील्ड में चले जाते हैं, तो बाद में क्या होता है जी, इशू ये बनता है, उसमें ही सारे आ जाते हैं और अप्लाई इतने लोग कर देते हैं कि बाद में जो है वो कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है। लाइक ये मैं कर रहा हूँ लेक्चरर। अब ये लेक्चर सारी जो है ना, यहाँ से मैं 10 की बजाय 100 कर देता हूँ। अच्छा जी, अब ये इनका तो शेड्यूल अभी तक नहीं आया ना। अब ये इसमें लेक्चर जियोग्राफी फीमेल पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, इनका जो है ना 25 को प्लान हुआ था और 25/10 को इनका प्लान हुआ है टेस्ट। अभी तक इनका शेड्यूल में नहीं आया होगा, क्योंकि यहाँ से आप लोग शेड्यूल में भी चेक कर सकते हैं। आपको बकायदा इनका टेक्स्ट भी आएगा पीपीएससी से, ये शेड्यूल्ड है टेस्ट ना। ये 10 बजे था, 18 को ये भी 10 बजे था, और ये असिस्टेंट का डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये डिफरेंट टेस्ट है। अच्छा, इसमें अब ये एक तो अभी तक शेड्यूल आया है जी 25 को फीमेल का, जियोग्राफी का 25 अक्टूबर को, और 25 को आया जी इकोनॉमिक्स वालों का। देन आप लोग देखें और लेक्चर मैथमेटिक फीमेल का शेड्यूल आया, वो भी 25 का है। देन पाक स्टडी वालों को, ये भी 25 का है। उसके बाद पर्शियन फीमेल, ये भी 25 को ही है। देन लेक्चरर्स राय की फीमेल, ये भी 25 को डेट को, सोशियोलॉजी का भी 25, फिर 25 अक्टूबर को शेड्यूल है। लेकिन ये जो शेड्यूल्ड है ना, ये 90% तो कंफर्म ही होता है, 10% इसमें चांस होते हैं कुछ चेंजिंग हो जाए, मतलब कि अगले वीक में चला जाए, या जो है ना उसको चेंज किसी वजह से, लेकिन ये 90% कंफर्म ही होता है कि टेस्ट इसी डेट को होगा। देन जियोग्राफी मेल 25 को, इसी तरह मेल का जो है मैथ का पाक स्टडी पर्शियन, वो सेम सब्जेक्ट जो ऊपर फीमेल का था वो भी मेल का ही। लेक्चर पंजाबी मेल जो है ये भी स्ट्राइकी का भी 25 को, ये लास्ट अपडेट आज ही हुई है 18 को ही। सोशियोलॉजी 25 को है। देन ये स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में आ जाता है। तो इस तरह से डिफरेंट जो है ना टेस्ट अभी शेड्यूल हो गया। उम्मीद है कि शायद
इसी वीक में कुछ और टेस्ट भी शेड्यूल हो जाए तो आपको इनका टैक्स आ जाएगा जिन लोगों का पेपर है। तो आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें और अपनी प्रिपरेशन जारी रखें ताकि आप लोगों को टेस्ट देने में आसानी हो जाए। ओके, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।